हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता कादर खान का कनाडा के एक अस्पताल में निधन हो गया है। उनके बेटे सरफराज ने उनकी मौत की पुष्टि की है। सरफराज ने बीबीसी को बताया कि हमारे पिता हमारे बीच नहीं रहे। 81 वर्ष से कादर खान एक दिग्गज अभिनेता के साथ साथ डायलॉग और पत्रकारिता लेखक भी थे। उनकी सेहत पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं में थी कि सोशल मीडिया पर भी उनकी मौत की अफवाह कई बार हुई थी। अभिनेता अमिताभ बच्चन और रवींद्र टंडन ने पहले ट्वीट करके उनके बेहतर स्वास्थ्य की प्रार्थना की थी। 80 और 90 के दशक कादर खान गोविंदा अनिल कपूर के साथ कई फिल्मों में देखने वाले अभिनेता रहे। 1973 में राजेश खन्ना की फिल्म दाग में बॉलीवुड में कदम रखने वाले कादर खान ने 300 से ज्यादा फिल्में की है। वो रात का वक्त था जब बॉम्बे से घर का युद्ध का प्रस्थान हर अंधेरे और सन्नाटा और एक बच्चा माँ बैठकर संवाद आयति का रियाज करता रहता था। एक रात यूँ रियाज जारी था कि एक टॉर्च लाइट रोशनी वहाँ किसी और ने पूछा, कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो? बच्चा बोला, मैं दिन में जो भी पढ़ता हूँ वो रात को मैं यहाँ आकर बोलता हूँ और रियाज करता हूँ। अफसर खान का वो सज्जन फिल्मों में काम करते थे। उन्होंने पूछा, नाटक में काम करोगे? वो बच्चा था